हेलो नमस्कार, रोशन टीचिलेन में आपका स्वागत है। तो आइए छात्रों, मैं आपको आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो 5 नंबर का है और ये एग्ज़ाम आने का बहुत चांस रहता है ये। और ये आपको पढ़ाएंगे आज हमको प्रमेय, और ये प्रमेय कौन सा, तो 6.8, और ये पाइथागोरस प्रमेय है जो एग्ज़ाम में बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय है, क्लास 10 मोस्ट VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, पाइथागोरस प्रमेय एग्जाम में आपको ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा आपको एग्जाम में जो इस तरह दिया होगा, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, सिद्ध करें। ये ऐसा रहेगा, या स्टार्टिंग दे देगा आपको सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, ऐसे रहेगा आपको। आपको पकड़ना, ये याद रहेगा ना आपको ये वाला, तो आप पकड़ पाएंगे के जो क्या बोलते हैं उसको प्रमेय, ये है प्रमेय, ये याद रहेगा तभी आप पकड़ पाएंगे। ओके, तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या बोला, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर लिखते हैं हम हल। ओके, तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर यहीं पर बना लेते हैं। देखिए ये हम समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। ओके, आपको हम बना नहीं, पहले से नहीं बनाने बनाए जो आप नहीं समझेंगे, इसीलिए हम अभी बना के आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये समकोण त्रिभुज हुआ मेरा, इसका नाम देंगे हम ए बी और सी। समकोण त्रिभुज में अक्सर कोण भी 90 डिग्री होता है। ओके, और इस पर से हम लंब डालेंगे, क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। ओके, इस पे हम लंब डालते हैं, ये लंब डाल दिए हम, इसका नाम ए बी डी डाल देते हैं, इसका ए बी सी डी, ये हो गया आपका 90 डिग्री कोण। ओके, ये हो गया आपका 90 डिग्री कोण, ठीक है। यहाँ पर ना भी लिखेगा तो भी, नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। ओके, तो देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज लिखेंगे हम, यहां से लिखते हैं या नीचे से लिखते हैं, नीचे में इसी पाना में हम पूरा करना है हमें। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। ओके, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। ओके, समझ में आ रहा है, लिखेंगे हम, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, इस तरह आपको लिखना है। ओके, सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग, बोल रहा है ना, कर्ण का वर्ग, तो हम कर्ण का वर्ग करेंगे बराबर, और बोल रहा है इसमें, बोल रहा है आपका कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के, तो शेष दो भुजाओं के, उसके दो भुजा क्या क्या है, तो है क्या मेरा ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर जोर बी सी स्क्वायर, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, दोनों का वर्ग कर दिया हम, ठीक है। अब लिखेंगे हम रचना मतलब ये होता है जो आप क्या क्या त्रिभुज में किए हैं, तो रचना हम क्या किए हैं, बी डी लंब ए सी पर डाले हम, यानी ये बी डी लंब ए सी के बीच में हम छेद किए हैं, तो उसी यही लिखेंगे हम इसमें। ओके, लिखेंगे हम बी डी लंब ए सी पर डाला, इसको अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर। आप ये बी डी लंब आप हिंदी में भी ल आधा म लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हम शॉर्ट दिए हैं समझने के लिए, ये अच्छा बेटर रहता है ये लंब। ओके, अब लिखते हैं हम प्रमाण, क्या लिखते हैं, प्रमाण। ओके, प्रमाण में लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी डी में, देखिए त्रिभुज यहाँ पे 3 त्रिभुज है, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज था और 1, 2, 3 को त्रिभुज हो गया। ओके, देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, ये त्रिभुज में लेके हम त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी डी, ये ए बी डी में। ओके, तो देखो
इसमें क्या होगा ए बी बट्टा, ओके क्या होगा ए बी बट्टा ए बी, यहाँ लिखेंगे ए बी बट्टा ए सी, ओके ये कर्ण बल्ला होगा, ए बी बट्टा ए सी बराबर, ये तो हो गया आपका। फिर इसमें चलेंगे हम ए डी, ए डी फिर उसके बाद ए बी, ओके ये हो गया आपका ए बी बट्टा ए सी बराबर ए डी बट्टा ए बी। नहीं समझे तो फिर समझते हैं हम आपको, ये ए बी बट्टा ए सी और ए, ये ए और डी बट्टा फिर ए बी, ओके देखो ए बी को ए सी ए बी से गुना करें यानी क्रॉस गुना करेंगे हम, मल्टीप्लाई कोना कोनी गुना करेंगे, तो ए बी को ए बी से गुना करके क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और का चिन्ह देंगे हम क्योंकि यहाँ पर समीकरण से तोड़ रहे हैं, ओके ये और का चिन्ह है तीर का निशान और भी चुन, तो ए बी गुने ए बी यानी ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए सी है तो ए सी देंगे हम, गुना है तो गुना के इंटू देंगे, और ए डी ए बी स्क्वायर है तो ए सी इंटू ए डी, ये समीकरण हो गया आपका फर्स्ट, ओके लिखेंगे फिर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा या एवं दोनों, देखिए ए बी डी हो गया, अब लिखेंगे बी सी डी में, ओके त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी सी डी में, ओके समझ में आ रहा है। चलिए आगे करते हम, तो देखिए ए ए बी सी त्रिभुज ए ए बी सी और बी सी डी यानी बड़का वाला में भी और छोटका वाला में चलेंगे हम, ओके तो देखो कैसे करते हैं हम, बी सी बट्टा ए सी बराबर डी सी बट्टा बी सी, कैसे बताते हैं हमको, देखो ये बी सी डी है तो बी सी और बट्टा का ये पूरा वाला लेंगे पशु के पहले वाला बड़का जो है ए सी, बी सी बट्टा ए सी, फिर इसका लेंगे डी सी बट्टा बी सी, क्या लिया हम डी बी सी बट्टा डी सी, ओके तो अब फिर इसको हम गुना करेंगे उसी तरह जो पिछले में किया है, तो बी सी को बी सी से गुना करेंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी को डी सी से गुना करते हैं तो ए सी इंटू डी सी, क्योंकि ये एक रंग नहीं है दो रंग है, ए सी इंटू डी सी, ये समीकरण आपका दो हो गया, ओके तो लिखेंगे हम समीकरण एक एवं समीकरण दो को जोड़ने पर, ओके क्या करेंगे जोड़ने पर, समीकरण एक कितना है देख लो, ये है समीकरण एक ए बी स्क्वायर, तो लिखेंगे हम यहां पर ए बी स्क्वायर, ओके और इसका समीकरण दो कितना है प्लस का बी सी स्क्वायर, ओके अब बराबर किस तरफ आइए, इसमें क्या है ए सी इंटू ए डी, ये है ना ए सी इंटू ए डी, लिखेंगे हम ए सी इंटू ए डी प्लस यानी जोड़ने पर बोले तो जोड़ेंगे हम, इसका दूसरा के लीजिए ए सी इंटू डी सी, तो ए सी इंटू डी सी, ओके और का चिन्ह देंगे हम ए बी का ए बी स्क्वायर BC का BC स्क्वायर बराबर AC into AD जोर AC into AD, तो AC इसमें कॉमन ले लेते हैं हम, तो क्या बचेगा फाइनली AD और AC कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा DC, अब देख ध्यान दो इस पे AB का AB स्क्वायर जोर BC का BC स्क्वायर बराबर ये AC का AC हो जाएगा, अब इस पे ध्यान दो ये D से D कट जाएगा ना, तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या फाइनली AC और AC बचेगा, यहाँ गुना है कुछ नहीं तो गुना देंगे हम AC, समझ आया नहीं समझ, देखो ये डी डी कट जाएगा तो फाइनली क्या बचेगा यहाँ पर एस ए और यहाँ पर सी, तो ए सी हो गया और पहले से मेरा ए सी है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना है तो ए सी इंटू ए सी, तो इसको लिखेंगे हम ए बी स्क्वायर जोर बी सी स्क्वायर बराबर दो ए सी है, तो इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, अब इसको हम सीरिया लेते हैं इसीलिए ए सी स्क्वायर बराबर ये ए बी स्क्वायर जोर बी सी का स्क्वायर, यही हमें प्रूव्ड करना था, देख लो यही हमें प्रूव करना था, देख लो आई होप अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को आप लाइक कीजिए सपोर्ट कीजिए, तब तक जय हिंद जय भारत।